दोस्तों क्रिकेट जगत से चौंका देने वाली खबर आ रही है। साउथ अफ्रीका के दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज ने संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको बता दूं क्विंटन डीकॉक, जी हां दोस्तों क्विंटन डीकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। आखिरकार क्या हो गया दोस्तों अचानक कि वो भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हारते ही संन्यास की घोषणा कर देते हैं। दोस्तों बहुत सारे उन पर सवाल उठ रहे हैं, तो सारी जानकारी देने वाला हूँ। क्या वो दूसरा टेस्ट भारत के खिलाफ आप खेलते हुए नजर आएंगे या उससे पहले ही वो संन्यास की घोषणा कर चुके हैं यानी अब वो खेलते हुए नहीं नजर आएंगे, पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको बता दूं दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जैसे ही सेंचुरियन टेस्ट समाप्त होता है, भारत की जीत होती है, उसके थोड़ी देर बाद ही क्विंटन डीकॉक संन्यास की घोषणा कर देते हैं। मैच से पहले, सीरीज से पहले वो पहले ही कह चुके थे कि वो दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो बेबी को जन्म देने वाली है, तो वो फैमिली मैटर को लेकर उन्होंने ये बात कही थी। और अब ये उन्होंने कंफर्म कर दिया है दोस्तों कि वो दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच तो नहीं खेलेंगे, लेकिन अब वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हुए नहीं नजर आएंगे, यानी अब वो संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। और अब दोस्तों वो व्हाइट कपड़ों में साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। कारण की बात करूं दोस्तों, मुख्य कारण जो उन्होंने बताया है अपने इंटरव्यू में, वो दोस्तों कहा है कि अब मेरा परिवार बड़ा होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करूं, अपने परिवार को समय दूं, उनको खुश रखूं। और केवल 29 साल के हैं दोस्तों क्विंटन डीकॉक, और इतनी कम उम्र में ही उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, ये सभी को जरूर चौंकाता है। लेकिन उन्होंने कारण फैमिली मैटर बताया है, लेकिन आपको बता दूं कि वो T20 और वनडे खेलते हुए नजर आएंगे, और जो लीग हैं T20 लीग्स उनमें भी आपको वो खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन टेस्ट में अब वो साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका की तरफ से उन्होंने 54 टेस्ट खेले हैं जिसमें 3000 से ऊपर रन बनाए हैं 6 शतकों की मदद से।